के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों की ओर रुख करेंगे, उससे पहले सीधा आपको उत्तराखंड के गैरसैंड लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पहली मातृशक्ति की प्रतीक पहली स्पीकर आदरणीय ऋतु खंडूरी जी और मैं समझता हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद आज पहला आगमन हो गया, आज उनका यहाँ पहला आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप स्वागत कर दीजिए। हमारे इस जनपद के प्रभारी और उत्तराखंड सरकार के बहुत सारे विभाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारिता, अनेकों विभागों के मंत्री के नाते और अब इस जनपद में लगातार विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके माध्यम से होगा, आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे इस कर्णप्रयाग क्षेत्र के बहुत लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम टंटा जी, पूर्व विधायक आदरणीय मुनि देवी शाह जी, लाख प्रमुख गैरसैंड शशि सोहियाल जी, दमयंती गतुड़ी जी, अध्यक्ष नगर पालिका कर्णप्रयाग देवेंद्र नेगी देवा भाई, जिला अध्यक्ष चमोली भारतीय जनता युवा मोर्चा संजय रावत, जिला महामंत्री विनोद नेगी जी, जिला पंचायत सदस्य रामचंद्र गौड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी महावीर सिंह रावत जी, अध्यक्ष गैरसैंड मंगल जी नारायण नगर, तारेंद्र थपलियाल जी, गजेंद्र रावत जी, हमारे अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक एवं यहां पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, हमारे जिलाधिकारी जी श्री हिमांशु खुराना जी और पुलिस अधीक्षक जी श्वेता जी, सीएमओ साहब और यहां पर आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण दूर दूर से पधारे। इस कार्यक्रम में मेरी माताएं, बहनें, मेरे नौजवान साथियों और उधर मैं देख रहा हूँ स्कूलों के हमारे आए हुए सभी शिक्षकगण और इस शानदार कार्यक्रम में जिन्होंने प्रतिभाग किया है और आने वाला जो आज जैसे हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इसके बाद देश का अमृत काल प्रारंभ होने वाला है, उस अमृत काल में हमारे इन नन्हे मुन्ने जो छात्र एवं छात्राएं आई हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ऐसे आए हुए प्रिय मेरे सभी छात्र एवं छात्राएं, मैं आज सबसे पहले तो स्वतंत्रता दिवस के इस पावन दिन पर हम अपना स्वतंत्रता की 75वीं गौरवशाली वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड के सभी बुजुर्गों, माताओं, बहनियों, दादियों, भौजी, बहजियों, भुला भुलियों और बच्चों को इस महान अवसर पर सबको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह देश की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अविस्मरणीय योगदान देने वाले हमारे पूरे इस गैरसैंण क्षेत्र, हमारे गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र के उन तमाम जाने अनजाने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का भी मैं इस अवसर पर श्रद्धापूर्वक स्मरण करना चाहता हूँ, जिन्होंने अंग्रेज शासकों के अत्याचार से भयभीत हुए बिना अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया ताकि हम और आप इस स्वतंत्र भारत में मुक्त रूप से सांस ले सकें, स्वतंत्र रूप से सांस ले सकें। यह देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देने वाले सैन्य और अर्धसैनिक बलों के शहीद जवानों की स्मृति के सम्मुख नतमस्तक हो जाने का भी अवसर है, उनका भी स्मरण हम सब करें, उनको भी आज नमन करें जिन्होंने निस्वार्थ सेवा के चलते हमारे देश की स्वतंत्रता पर किसी तरह की आंख भुना नहीं दी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर सैन्य, अर्धसैन्य और पुलिस बलों के जवानों के लिए 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक की पहल की है। हमारे वीर जवानों की कर्तव्य निष्ठा और पराक्रम को और देश का भी यह सम्मान है। यह अवसर हमें याद दिलाता है कि हमें 4 दशक तक चले उत्तराखंड राज्य आंदोलन में हिस्सेदारी करने वाले समस्त शहीदों और आंदोलनकारियों को योगदान को भी याद दिलाता है, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं जिन्होंने
चाहे वो 1 सितंबर हो, चाहे 2 सितंबर हो, चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, चाहे वो मसूरी का गोलीकांड हो, रामपुर तिराहा का कांड हो, उन सब में अपने आप को लगाने का काम किया, खपाने का काम किया। ऐसे ऐसे नौजवान थे जिन्होंने उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए इस आंदोलन में भाग लिया और जिन्होंने मां की ममता को भी ठोकर मार दी, अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए मतवालों की तरह अपनी जवानी और जिंदगानी लगा दी। उन सब का भी हम इस अवसर पर नमन करते हैं। आज हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको अमृत महोत्सव कहा है। अमृत महोत्सव के अवसर पर हम लोगों ने अनेकों कार्यक्रमों में भाग लिया है। पूरे प्रदेश के अंदर कई कार्यक्रम 9 अगस्त से प्रारंभ होकर 15 अगस्त तक संपन्न हो रहे हैं और पूरे देश के अंदर 60,000 कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। पिछले वर्ष मार्च से प्रारंभ होकर अभी तक 60,000 कार्यक्रम संपन्न और सब कार्यक्रमों में जहां हमने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, संग्राम के आंदोलनकारियों को याद किया, वही जो थे जो तपाई प्रगतिशील और महान स्वतंत्रता सेनानियों और सैनिकों को भी ये महोत्सव समर्पित किया है। इस समर्पण में अपने राष्ट्र को अभिनव और आत्मनिर्भर में रूपांतरित करने का जो जन जन का संकल्प भी इसमें समाहित किया है। इस अवसर पर फहराते तिरंगे से सुसज्जित होकर देश का एक एक घर दुनिया को यह संदेश दे रहा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा अभियान पूरे देश के अंदर प्रारंभ किया और हमारी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच है, उनका नेतृत्व और मार्गदर्शन, एक राष्ट्र के रूप में हम लोग बहुत शीघ्र उस महत्वाकांक्षी सपने को साकार कर लेंगे जिसमें हर किसान का सम्मान होगा, जिसमें हर गरीब का कल्याण होगा, हर युवा के पास अवसर होंगे और इसलिए आज उन्होंने और हमारी मातृशक्ति का उत्थान होगा। आज प्रधानमंत्री जी ने जहां लाल किले की प्राचीर से पूरे देश का संबोधन किया, उस संबोधन में उन्होंने कहा जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और आज कर दिया नया जय अनुसंधान। एक नया अनुसंधान भी उसमें जुड़ गया है, यानी कि देश अब नए अनुसंधान की ओर बढ़ेगा जहां शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी के क्षेत्र में सतत नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा, कला की समस्त विधाओं को उचित संरक्षण हासिल होगा, वैश्विक पटल पर भारत एक मजबूत पहचान के साथ उभरेगा। अभी अभी हम लोग कोविड महामारी से जूझे थे जिसके बारे में आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने अभी उल्लेख किया कि हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक पहली डोज हो, दूसरी डोज हो और ये बूस्टर डोज हो, जहां पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अभी 10% डोजे लगी है और हमारे प्रदेश के अंदर बूस्टर डोज में 20% का आंकड़ा हमने पार कर लिया है। भाई बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में और जो हमारी पुरानी परंपरा रही है, गौरवशाली परंपरा, भारत को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, हम उस परंपरा की ओर वापस आ रहे हैं। आज भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है क्योंकि हमारे पास मोदी जी जैसा नेतृत्व है। आज उनके नेतृत्व में हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और 2014 से जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने तब से लेकर आज तक देश के अंदर जितनी योजनाएं बनी हैं वो सारी की सारी योजनाएं गरीब कल्याण को समर्पित है, यानी कि गरीबों को समर्पित है सारी योजनाएं। पहले के समय में जो योजनाएं बनती थी वो योजनाएं कुछ एक व्यक्तियों को ध्यान में रखकर बनती थी, बड़े बड़े लोगों के हित और लाभ के लाभ और हानि को देखकर योजनाएं बनती थी।